वह ज्यादा सीरियस आप लोग मत हो। तो जिस ठरक के साथ आप लोगों ने इस वीडियो के थंबनेल को देखकर इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है, उस ठरक के भी दिखाऊंगा। तो इसलिए आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद किसी और अदर वीडियो पे या फिर किसी अदर वेबसाइट पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं कौन सी वेबसाइट की बात कर रहा हूँ वो आप लोग मेरे इस लोगो को देख कर समझ सकते होंगे। कह रहे हैं, और चूंकि आज मैं कुछ थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई करने वाला हूँ, इसलिए आज के इस वीडियो का लाइक एम थोड़ा सा कम है और ये लाइक एम है 45। आई नो आप लोग इसे बहुत ही जल्दी कम्प्लीट कर दो यार, 15-20 मिनट लगेगा यार, तो जल्दी से लाइक मार दो। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी वर्ड द टाइम, चलिए आज के इस ठरकी वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो भाई, अगर कोई और वीडियो यहाँ पे होती तो फिर मैं आप लोग को थोड़ा सा घुमाता और वीडियो के एंड में जाकर मैं आप लोग को मेन पॉइंट वाली बात बताता, बट चूंकि ये वीडियो टोटली ठरक से भरा हुआ है तो मैं आपका क्या ही टाइम वेस्ट करूँ। तो बिना इधर उधर की बातें किए हुए हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं अपने नंबर 6 पॉइंट से। तो नंबर 6 पे है गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 का वो वाला सीन, जहाँ पे हमें एक छोटा सा कन्वर्सेशन दिखाया जाता है अपने स्टार लॉर्ड गमोरा, ड्रैक्स और मेंटिस के बीच। तो यहाँ पे अपनी जो मेंटिस होती है वो बेसिकली किसी भी बंदे को फील करके ये बता देती है कि वो बंदा अंदर से कैसा फील कर रहा है। और जब मेंटिस स्टार लॉर्ड को टच करती है तो फिर वो सभी लोगों को बताती है कि स्टार लॉर्ड गमोरा के लिए कैसा फील कर रहा होता है। और वैसे तो इस वाले सीन को अपने हिंदी डबिंग में काफी अच्छा कर दिया गया है, एंड भाई अच्छा मेरा मतलब है कि वर्ड्स का जो मीनिंग होता है उसको काफी अच्छे से बताया गया है। बट अगर आप लोग इस सीन को इंग्लिश में देखते हो जैसा कि मैंने देखा था, तो यहाँ पर डायरेक्टली यूज किया गया है वर्ड सेक्सुअल डिजायर का। अब इसके बारे में मुझे आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है। खैर, यहाँ पे हमें सीन के मामले में तो कुछ ज्यादा दिखाया नहीं गया, जो कुछ भी था वो टोटल वर्बली था। तो इसलिए इस पॉइंट को इस लिस्ट में मैंने डाला है सबसे लास्ट में। और अब हम लोग बात करते हैं नंबर 5 पॉइंट की। तो नंबर 5 पे है दी एवेंजर्स मूवी का वो वाला सीन, जहाँ पे हमें स्टार्टिंग में नताशा रोमानोफ का एक सीन दिखता है और नताशा रोमानोफ इंटेरोगेट कर रही होती है कुछ बंदों को। वैसे टेक्निकली तो वो बंदे इंटरोगेट कर रहे होते हैं नताशा को, बट सीन यहाँ पे थोड़ा सा अलग था। आप लोग जानते हो मैं क्या बोल रहा हूँ। पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो कुछ भी सीन हुआ है, और इस बात को गेस करना हार्ड नहीं है कि नताशा रोमानोफ इन कपड़ों में यहाँ पे इस स्टेट में कैसे पहुंची होगी। अगर आप लोग को पता है, अगर आप लोग इस चीज को गेस कर सकते हो तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, बट मैं आपको बता ही देता हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग कुछ ऐसा सीन हुआ होगा, नताशा रोमानोफ इनके इस बेवकूफ बॉस को सेड्यूस करने जा रही होगी और किसी चूतिए ने अपने नताशा के पूरे प्लान को स्पॉइल कर दिया होगा। बट चूंकि अपनी नताशा काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है तो वो इस हालत में भी इन बेवकूफ लोगों के साथ इंटरोगेट कर रही होती है, और जो डिटेल नताशा को चाहिए होता है वो इन लोगों से वो निकाल रही होती है। बट यहाँ पे पॉइंट ये है कि अगर आप लोग यहाँ पे नताशा रोमानोफ के ड्रेस को देखोगे, वैसे पर्सनली मैं किसी के ड्रेस को देखकर उसको जज नहीं करता, पर चूंकि ये एक नॉर्मल सी कॉमन सी वीडियो है तो इसलिए मैं आप लोगों से डायरेक्टली ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो नताशा रोमानोफ का ड्रेस है जो कि मार्वल स्टूडियोज डिज्नी वालों ने उनको दिया है वो काफी ज्यादा अपीलिंग है। अब मेरे लिए तो है भाई, आपके लिए है या फिर नहीं वो आप लोग जानो। इसके अलावा ये पूरा का पूरा सीन ही अपने में काफी ज्यादा लीजेंडरी है। तो ये बात हो गई नंबर 5 की, और अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। नंबर 4 पे है अगेन नताशा रोमानोफ, बट इस टाइम एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन से। अब आप लोग को तो ये याद ही होगा ये वाला सीन, जहाँ पे हमारे सारे के सारे सुपर हीरोज हैमर को उठाने का ट्राई कर रहे होते हैं थॉर का। बट उससे पहले कुछ ऐसा सीन होता है, एक छोटा सा एक स्वीट रोमांटिक सा कन्वर्सेशन होता है नताशा रोमानोफ और ब्रूस बैनर के बीच। और जब यहाँ पे अल्ट्रॉन अटैक करता है हमारे एवेंजर्स पे, तो फिर कुछ ऐसा सीन बनता है जिसको कि मैं शब्दों में तो बता नहीं सकता। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, इसके अलावा भी हमें इस मूवी के अंदर कुछ ऐसे सीन्स भी दिखाए गए आगे, जो कि डेफिनेटली PG-13 के कैटेगरी में तो नहीं आती। खैर, इस बारे में अब हम ज्यादा बात नहीं करते हैं और बढ़ते हैं हम अपने पॉइंट नंबर 3 की ओर। अब मैं उम्मीद तो करता हूँ कि इस लिस्ट में मैंने अभी तक आपको जितने भी सीन्स के बारे में बताया है और दिखाया है, उनमें से ऑलमोस्ट सारे के सारे सीन्स के बारे में आप लोग किसी ना किसी और वीडियो में देख चुके होंगे, या फिर आप लोग इसको बार बार इंटरनेट पे सर्च करके देखते होंगे। बट अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आई एम डैम श्योर आप में से 90% बंदों को ये मालूम नहीं होगा। तो इस नंबर पे मेरे अकॉर्डिंग इस लिस्ट में होना चाहिए अपने डार्सी शॉर्ट को। डार्सी शॉर्ट यानी कि कैट डेनिंग्स। अब इसको आप लोगों ने देखा है थॉर 1 एंड थॉर 2 मूवी में। एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरे अकॉर्डिंग मार्वल स्टूडियोज की जितने भी मूवीज अभी तक आई है उनमें कोई भी लेडी एक्ट्रेस इतनी हॉट नहीं है भाई जितनी की अपने कैट डेनिंग्स है। अगर आपको मुझसे बिलीव नहीं है तो आप लोग इनके डिज्नी का एक बहुत ही अच्छा खासा शो है, अभी तो मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद है, तो आप लोग उस सीरीज को देख सकते हो या फिर आप लोग इनको गूगल ही कर सकते हो। बट अदर सीरीज के बारे में अपन लोग इधर बात नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली डार्सी जो है वो यहाँ पे नैटली पोर्टमैन की जो है एक फ्रेंड होती है थॉर मूवी के अंदर। बट डार्सी का
का जितना भी सीन हमें दिखाया गया है थॉर मूवी में, वो सीन काफी ज्यादा रोमांटिक और काइंड ऑफ अपीलिंग है। अब सारे के सारे सीन तो मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, बट जितने भी सीन मैंने अब तक आपको यहाँ पे दिखा दिए हैं, तो आप लोग वो देखकर ही समझ सकते हो। बट अगर आपको फिर भी संतुष्टि नहीं और आप अपने ठहरों को रोक नहीं पा रहे हो, तो यार यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी है, इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो डेफिनेटली आप लोग देख लेना। तो अब हम लोग बात करते हैं नंबर 2 पॉइंट की। तो पॉइंट नंबर 2 पे है एक छोटा सा सीन आयरन मैन 2 मूवी का। तो जैसा कि अपन लोग अपना पूरा का पूरा मार्वल स्टूडियोज ही स्टार्ट हुआ था, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ आयरन मैन 1 की। तो आप लोगों को तो याद ही होगा आयरन मैन का वो वाला सीन जहाँ पे टोनी स्टार्क ना चाहते हुए भी इंटरव्यू दे रहा होता है एक लेडी रिपोर्टर को, और यहाँ पे अपने टोनी स्टार्क और इस प्यारी सी रिपोर्टर के बीच बात होते होते कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है और आंखों ही आंखों में प्यार हो जाता है, और फिर वो होता है जिसका कि आप लोगों को इंतजार था। अब इससे आगे मैं क्या बोलूँ, आप लोग खुद ही वीडियो में देख लो। तो बस यार आज के इस वीडियो के लिए इतना ठरक काफी है। अब मैं जानता हूँ और मुझे पता है कि मैंने इस वीडियो को उस लेवल पे नहीं बनाया जो कि आपके ठरक को 100% सेटिस्फाई करता है, बट मेरे इस वाले साइड में यानी कि ठरक वाले साइड में अभी मैं थोड़ा सा न्यू हूँ, तो मैं सीख रहा हूँ और पीजे भैया की वीडियो भी देखी रहे तो जल्दी सीख लेंगे। तो टेंशन वाली बात नहीं है, आगे जितने भी ठरकी टॉपिक आएंगे उसके ऊपर आपको बहुत ही अच्छे फ्लो में मैं बोलता हुआ दिख जाऊंगा। अब ये पहला वीडियो था इसलिए थोड़ा सा नर्वस और थोड़ा सा कंफ्यूज भी था। तो अगर आप लोग इस तरह के ठरकी वीडियो को देखना चाहते हो फ्यूचर में, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ और साथ ही मुझे ये भी बताओ कि आपके अकॉर्डिंग नेक्स्ट ठरकी टॉपिक क्या होना चाहिए। तो बस यार इस वीडियो के लिए इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक तो डेफिनेटली कर देना, और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर तो जरूर ही क्लिक कर लेना, ताकि इन फ्यूचर आप कोई भी वीडियो ना मिस कर सको। और साथ ही अगर आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू सुपर हीरोज, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। Till then, stay safe, stay home, and goodbye.